हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत हो। और आज मैं बना रही हूँ ब्रेड बना रही हूँ आज, जो कि आटा ब्रेड होता है, ब्राउन ब्रेड भी कह सकते हो आप इसको। तो यहाँ पे आटा लिए हम लोग 2 कप, जो कप मैं अभी दिखाई आपको उसी में 2 कप। और यहाँ पे दही ले रहे हैं, तो दही में थोड़ी सी पानी आप लोग डाल दीजिए। और दही हम लोग लिए हैं 2 चम्मच दही, और दही में पानी आपको पूरा पानी जैसा करना है, मतलब उसको पतला करना है आपको पानी को। देन यहाँ पे चीनी डाल रहे हैं और बेकिंग पाउडर, जो कि हम लोग फ्लोर लिए हैं, वेट फ्लोर लिए हैं, आटा लिए हैं उसी में। और यहाँ पे बेकिंग पाउडर हम 1 चम्मच डाले हैं, और सोडा डाल रही हूँ, सोडा 1/2 चम्मच डालें। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे नमक डाला जा रहा है, नमक 1 चम्मच डाले हैं हम यहाँ पे। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। और चीनी इसलिए डाल रहे हैं हम क्योंकि थोड़ी सी मीठापन उसका आता है, तो अच्छा लगता है। और इसको मिक्स करना है आपको। और जो हम लोग दही में हम लोग पानी डाले थे, पानी डाल के हम लोग जो उसको पतला किए थे दही को, तो उसको इसमें डालना है आपको, अच्छे से मिलाना है इसमें और ग्रेजुअली उसको डालना है दही को, मतलब धीरे 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 आपको डाल के उसमें बनाना है। दही हम लोग कैसे ग्रेजुअली मिला रहे हैं उसमें, तो वैसे ही मिलाना है। और इसका जो बैटर है उसको मतलब ज़्यादा मोटा नहीं करना है या ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, तो मतलब उसका कंसिस्टेंसी अच्छा रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए अच्छे से मिला रहे हैं इसको, हाथों में ही आपको मिलाना है जैसे कि आप लोग आटा गूंथते हैं वैसे ही, लेकिन आटा थोड़ा मोटा रहता है क्योंकि हम लोग उसमें रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेड बना रहे हैं, इसलिए इसका थोड़ा सा पता रखना है इसका बैटर। कढ़ाई ले हैं, कढ़ाई में नमक डाल रही है, नमक में आप एक स्टैंड रख के जैसे आप केक बेक करते हो वैसे इसको बेक करना है। केक आप मतलब केक जैसे आप लोग बनाते हो वैसे ही कढ़ाई में इसको बनाना है। तो यहाँ हम 4 ग्लास लिए हैं, यहाँ पे मैं ग्लास में बनाने वाली हूँ ब्रेड। तो आपके पास अगर कुछ और कंटेनर हो तो उसमें भी आप लोग बना सकते। तो यहाँ 4 ग्लास को आप ग्रीस कर देना है ऑयल से, या फिर बटर से, या फिर घी से, आप किसी से भी कर सकते हो। तो यहाँ हम तेल से कर रहे हैं, तेल से 4 ग्लास में हम ग्रीस कर देंगे अच्छे से, जैसे कि जैसे आप मतलब केक बनाते हो ना, केक बनाने से पहले आप लोग बटर से जैसे ग्रीस करते हो वैसे ही करना है आपको यहाँ पे। तो 4 ग्लास घिस होके रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हमें आटा को फिल करना है। और इसको याद रखिए मतलब पूरा फूल नहीं करना है, क्योंकि ये जब बेक होता है तो फूलता है, तो ऊपर उठ जाता है, तो इसलिए आपको आधा से थोड़ी ऊपर करना है और ज़्यादा मत करना है आपको इसको। तो इसको देखिए कैसे हम लोग फिल कर रहे हैं। और यहाँ पे हम राशि का यूज़ किए हैं, उसके ऊपर राशि थोड़ी सी दिए, अगर आप चाहो तो नीचे भी राशि डाल सकते हो, बीच में भी राशि डाल सकते हो। तो जो तिल होता है, तिल उसको मतलब आपको डालना है। तो यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर तिल डाल देंगे। तो ये हो गया फिल, और उसको पूरा टोटल फिल नहीं किया हम लोग। और उसके बाद
बाद उसके ऊपर थोड़ी सी ऑयल फिर से आपको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो ताकि आप जो उसका जो बेक होगा तो फूलेगा तो अच्छा बन जाएगा। तो उसके ऊपर हमें राशि देना है, क्योंकि जब ऑयल के ऊपर राशि आप लोग तिल डालोगे तो वो अच्छे से चिपक चिपक के रहेगा। इसके इसी वजह से हम लोग उसके ऊपर ऑयल दे रहे हैं, और राशि दे देना, थोड़ी थोड़ी राशि डाल देना और राशि का टेस्ट। तो यहाँ पे जो हमारी कढ़ाई था वो हीट हो गया है, बहुत ज़्यादा हीट हो गया था, तो हमें इसके ऊपर रख देना है, प्लेट के ऊपर चारों ग्लास को आपको रख देना है, और कुछ कुछ लाके आपको ढकना है, और बड़ा वाला चीज़ें मतलब कुछ बड़ा मतलब ढक्कन होगा या फिर कुछ भी आप इसको ढक सकते हो, तो अच्छे से ढकना जरूरी है कि अच्छे से बेक हो। और ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग है और ज़्यादा टाइम। तो यहाँ पे देखिए हमारी ब्रेड हो गया है, क्योंकि मैं बीच में मतलब निकाल के ट्राई कर रही थी, देख रही थी कि हुआ कि नहीं। दिया आराम से हो गया है, बहुत अच्छा फूला है ऊपर, मतलब फूल के ऐसे उठा है ऊपर। तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ कि हुआ है कि नहीं, तो हो गया था ऑलमोस्ट। गाइज एक को हम लोग निकाल के देख रहे थे, ट्राई कर रहे थे, हुआ कि नहीं। देखिए ये वाला भी हो गया है अच्छे से, और ऐसे बनता है वो। जब हम फर्स्ट ग्लास का निकाले तो अच्छे से नहीं निकल रहा था, तो ये वाला और वो जो बाकी तीन थे वो अच्छे से निकल गए, क्योंकि वो थोड़ी सी नहीं हुआ था तो उसकी वजह से। तो ये वो, और उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, और ये आपको पूरा जैसे ब्राउन ब्रेड होता है वैसे ही आपको टेस्ट लगेगा। और अगर आप इसमें ईस्ट डालोगे तो और भी अच्छा लगेगा, और भी दुकानों के जैसे मतलब बाजारों में जैसे मिलता है वो वैसा वाला ब्रेड बन जाएगा। तो ये तो कम नहीं था, ये कोई बाजारों से कम नहीं था, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ थैंक यू की जगह प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करना, और अगर मेरी चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।